फाइनली गाइस, दिवाली आने ही वाली है और दिवाली जब आती है तो आप देखते होंगे कि सभी घरों पे बहुत ही चमचमाता हुआ लाइट वगैरह आप देखते होंगे, तो आपको ही मन में आता होगा यार कुछ अच्छा खासा लाइट हम भी लगा ले अपने घर पे। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइट और प्लस मेड इन इंडिया है कुछ इसमें से लाइट, कुछ चाइना तो होने ही वाला है गाइस, जितना भी अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है इंडिया में। और यहाँ पे जो लाइट है ये 500 के अंडर वाला भी है और एक लाइट यहाँ पे हमने जो इंक्लूड किया है वो 1000 का आता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइट है वो। और एक दो जो लाइट है इसमें ये सोलर पे भी काम करता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस ये फॉर्मल में बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ मैं, है ना, कमेंट जरूर बताना। और गाइज आप सभी को जैसे पता ही है ये जो दिवाली और छठ होता है ये खुशियों का त्यौहार है, तो आप भी खुशियां बरसाइए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस यहाँ पे जो सबसे पहला लाइट आता है ये आता है LED राइस लाइट है और ये जो लाइट है लिटरली प्रीमियम भी है और प्लस में काफ़ी ड्यूरेबल भी होने वाला है, यानी कि इसे आप आउटडोर में आराम से लगा सकते हो। और ये एक नॉर्मल लाइट नहीं है जैसा आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो आपके घर में आता है वहाँ पर इसे नहीं लगाना है, ये सोलर से चलता है और आपको अपने आउटडोर यानी कि गार्डन में इसे लगा सकते हो। हुक कुछ इस तरह से दिया गया है, इसे आप लगा दो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइट आएगा। और या चाहो तो आप अपने रूम में भी लगा सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी का है तो अच्छा भी दिखता है। प्लस में इसमें मोड वगैरह भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे 4-5 तरह का आपको इसमें मोड मिलता है। तो जैसा अभी आप देख सकते हो इस सोलर को मैं अभी ढक दिया हूँ तो ये लाइट ऑटोमेटिक जलने लगा है, तो यानी कि आपको इसे स्विच ऑन या ऑफ ही करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि लाइट रहेगा तो ये लाइट नहीं जलेगा और जैसे लाइट खत्म हो जाएगा तो ये लाइट जलने लगेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और गाइस ये जो लाइट है ये वाटरप्रूफ भी होने वाला है तो आपको यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, अगर आप वाटरिंग वगैरह करते हो तो फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है कि ये लाइट खराब हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लाइट है, प्रीमियम क्वालिटी का लाइट है, इसे आप अपने रूम वगैरह में लगा सकते हो। और इसका जो प्राइस है 500 है और 500 में आई थिंक काफ़ी अच्छा लाइट है, मोड वगैरह चेंज कर सकते हो और टर्न ऑन टर्न ऑफ भी आप कर सकते हो। ओके और गाइस ये जो लाइट है ये 5 मीटर होने वाला है इसका लेंथ, तो आप इस तरह के प्लांट पे आराम से लगा सकते हो और इजी वे से आ जाएगा, आपको दो लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइट में आपका काम हो जाएगा। ओके चलिए अगले लाइट पे चलते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो अगला लाइट है ये है एक छोटा सा स्टेज लेजर लाइट है ये और बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है और प्लस में ये जो लाइट है लिटरली इतना काम का है ना मैं क्या ही बताऊँ। इसका यूज जनरली किया जाता है किसी भी स्टेज पे जब कोई परफॉर्मर परफॉर्म करता है वहाँ पे, इसका यूज आप दिवाली में भी कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा। प्लस में ये जो लाइट है इसमें आपको 3 मोड भी मिल जाता है तो अलग अलग टाइप का आप मोड इसमें कर सकते हो। प्लस में इसका जो कंट्रोलर है इसके हेल्प से आप अलग अलग टाइप से कुछ इस तरह से यहाँ पे जो आप लेजर देख रहे हो इसको मूव कर सकते हो, स्टील कर सकते हो कुछ इस तरह से, बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। रात में तो इतना बता रहा हूँ गाइस बहुत ही मस्त दिखने वाला है। और गाइस इस लाइट में एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें एक माइक दिया गया है, तो माइक का यूज जनरली क्या है कि आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो तो उसके बीट पे ये इसका लेजर मैच करता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है। और ये जो लाइट है लिटरली 1000 में वर्थ इट है और थोड़ा सा ये हीट वगैरह हो जाता है तो हाथ वगैरह इसको नहीं रखिएगा ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो। यहाँ पे आपको एक एडाप्टर मिल जाता है जिससे ये चलता है और प्लस में यहाँ पे ट्राइपोड देखने को मिल जाता है, तो इसे आप किसी भी सरफेस पे रख सकते हो या आप चाहो तो कहीं पे हैंग भी कर सकते हो। और गाइस ये जो लाइट है ये फुली एल्युमिनियम बॉडी होने वाला है तो बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी इसका दिया गया है। तो चलिए गाइस यहाँ पे जो अगला लाइट है ये एक हनीबी लाइट है और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस में ये जो लाइट है ऑरेंज कलर के लाइट में आ रहा है और जैसा देख सकते हो आपको ग्लो इफेक्ट दिखने को मिलेगा, ये एक छोटे से प्लांट पे काफ़ी अच्छा दिखेगा। और ये जो हनी भी है ये उड़ेगा नहीं, जस्ट चमकेगा। ओके गाइज और बहुत ही अच्छा है, 267 रुपीज़ इसका प्राइस है और इसका जो प्राइस होता है जितना आप हनी भी लोगे उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। ओके और इसमें 16 हनी भी है शायद, तो इसका प्राइस 216 रुपीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग लाइट है, इसे आप ले सकते हो, लिंक सभी लाइट के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ से। चलिए अगले लाइट की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अगला लाइट है ये एक लैंटेन लाइट है और ये दिखने में लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा है, यानी कि 600 रुपये का आता है और बिल्ड क्वालिटी लिटरली बहुत ही अच्छा है। और दिखने में जो ये लाइट है ना
और जो लाइट है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा भी दिखता है और यूनिक भी दिखता है। जैसे आप देख सकते हो सब में लेंटेन का शेप दिया हुआ है। ये जो लाइट है ये लोगों का जो अटेंशन होगा ना पक्का ग्रैब कर लेने वाला है, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसका लाइट भी कुछ उसी तरह का जैसे कि अपने घर में पहले लेंटेन वगैरह लगाते थे, कुछ वैसा ही दिखता है। और ये 20 पीस का है तो इसका प्राइस 600 है। इसका जितना पीस आप लोगे तो उसका प्राइस उतना ही अलग होता चला जाएगा। बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग लाइट है, इसे भी आप ले सकते हो। चलिए अगले लाइट की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस, यहाँ पे जो अगला लाइट है ये एक सोलर लाइट होने वाला है और ये एक गार्डन वगैरह में लगाया जाता है या आप अपने घर के आउटडोर में लगा सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग भी दिखता है। और ये जो लाइट है ये सोलर वाला होने वाला है, तो यानी कि जब लाइट रहेगा, यानी कि दिन में तो ये जलेगा नहीं, रात में जलेगा, जैसे ही धूप खत्म हो जाती है तब ये जलना शुरू हो जाता है। और प्लस में ये दो पैक के साथ आता है और इसका जो प्राइस है 1100 रुपया है। थोड़ा सा महंगा नहीं, बहुत ही महंगा लाइट है और मुझे लगता नहीं है कि ये इतना महंगा होना चाहिए, क्योंकि इसका लाइट अगर आप देखोगे तो कोई खास लाइट है नहीं इसमें। आप देख सकते हो बहुत ही कम यहाँ पे रोशनी भी आ रही है, तो ये लाइट इतना अच्छा होने वाला है नहीं, तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका कुछ अल्टरनेट लाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। गाइज, मोस्ट ऑफ लाइट तो कुछ इसी तरह सबका आता है, यानी कि राइस लाइट हो गया या दिवाली में डेकोरेशन करने के लिए लाइट क्या अलग आएगा, बट ये जो आप लाइट देख रहे हो ये एक क्रिसमस टाइप का लाइट है, बट इसका यूज आप दिवाली में भी कर सकते हो। और ये जो लाइट है ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे छोटा छोटा बल्ब यहाँ पे जल रहा है और तीन कलर में, यानी कि ग्रीन, ब्लू और रेड कलर में ये जल रहा है। रेड पूरा रेड नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का रेड होने वाला है। 260 रुपये का आता है और इसका जो लेंथ होने वाला है 5 मीटर होने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लाइट है, आप इसे ले सकते हो। 260 रुपया आई थिंक काफ़ी अच्छा दिखता भी है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो इसे आप भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले लाइट की तरफ चलते हैं। और वो जो लाइट है, मुझे ये जो आप लाइट देख रहे हो इसे भैया ऑर्डर किया है, पता नहीं क्यों ये लाइट ऑर्डर किया है, मुझे लिटरली बता रहा हूँ ये काफ़ी वर्स्ट लग रहा है, पैसा यहाँ पूरा तरह से वेस्ट हो गया है मेरा। ये देखो यार क्या है ये, लोग देखेंगे भी तो हंस देंगे। तो ये जो लाइट है ये लगभग 300 रुपये का है और अच्छा लाइट बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत ही चीप लग रहा है और टोटली पैसा वेस्ट है। क्या पता तार कटा भी हो, करंट लग जाएगा मुझे। तो गाइज ये लाइट आप मत लो। गाइज यहाँ पे जो एक लाइट है जो हमेशा आप देखते होगे मेरे वीडियो में, एक राइट में लगा है और एक लेफ्ट में लगा हुआ है। ये जो आप लाइट देख रहे हो इसका पैनल आता है, यानी कि 200 का इसका पैनल आता है, 200 या 220 का आता है और बहुत ही अच्छा लाइट है। यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है, तो इसे आप अलग अलग टाइप से कलर कर सकते हो। जैसे ये अभी जो कलर है ये फेड कलर है और यहाँ पे मैं अभी जैसे इसे कुछ इस तरह से करता हूँ, स्टॉर्म हो गया। अलग अलग टाइप से आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा लाइट है। लगभग मैं इसे एक साल से यूज कर रहा हूँ, जो मेरा पुराना सेटअप था वहाँ पर भी ये लाइट लगा हुआ था और वही लाइट यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लाइट है, इसे आप ले सकते हो। और इसे आप कहाँ लगाओगे, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ लगा लो यार, दिवाली है कहीं पे चमचमा दो, अच्छा ही दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा लाइट है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, इसे आप ले सकते हो। सभी लाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो जाकर आप एक बार चेक कर लेना। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो सभी लाइट आप देखे हो इसमें से बस आप दो लाइट मत लेना, एक ये वाला जो फुल पत्ती वाला लाइट है, देखो अभी निकल गया, इसलिए बोलता हूँ मेड इन चाइना प्रोडक्ट कभी लेना ही मत भाई, लेकिन क्या करें मजबूरी है यार, दो तीन लाइट तो इंडिया का मिला लेकिन और लाइट तो चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग होता है गाइज। और जो आप ये जो सोलर वाला लाइट देख रहे हो ये मत लेना, इस सभी लाइट का जो अल्टरनेट लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां से जाकर आप लाइट ले सकते हो। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज ही ऑर्डर कर लेना, ताकि दिवाली के बाद सामान आएगा तो फिर क्या काम है सभी लाइट का। ओके गाइज, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है लाइट वगैरह के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में पूछे। और इसी तरह का वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, प्यार दिखाओ यार इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को हिट करके, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चोट लग गया।